हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वायरस। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फास्ट मैथ। और इसमें हम सीखेंगे कि जब भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से या 25 से या 125 से, तो बिना पेन और पेपर यूज़ किए हुए कैसे विद इन सेकेंड हम इसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले है मल्टीप्लाई बाई 5। हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो विदाउट पेन और पेपर यूज करके कैसे आंसर निकालेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। नाउ सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 24 इंटू 5। 24 इंटू 5, तो अब तक जो हमने मेथड यूज किया है बचपन से वो ये है कि ऊपर 24 लिखा और नीचे 5, देन 5 इंटू 4 20, 0 कैरी 2, देन 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 2 इज 120। बट ये वाला मेथड कभी एग्जाम में यूज मत करना बिकॉज ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। और हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का एग्ज़ाम हो, SBI PO हो, SBI क्लर्क हो, उस पर कितना कम टाइम होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस मेथड। और हम तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड है हम वो यूज़ करेंगे। हम सबको पता है कि 5 इज इक्वल टू 10 बाई 2। तो जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है 5 से, यू हैव टू फॉलो टू स्टेप्स। जो स्टेप वन है कि हमेशा उस नंबर के एंड में जीरो लगाना है। वी हैव टू पुट जीरो इन द एंड। इसका मतलब क्या हो गया मैथमेटिकल टर्म में कि हम उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2, आफ्टर पुटिंग द जीरो उस नंबर को डिवाइड करना है 1/2 से, दैट इज हाफ। नाउ लेट्स सी व्हाट इज 24 इंटू 5। 24 इंटू 5, हमारा पहला स्टेप क्या था? वी हैव टू पुट द जीरो इन द एंड। सो 24 और जीरो इन द एंड, हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। और जो सेकेंड स्टेप है, वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 2। इस नंबर को डिवाइड करना है 2 से। मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आपको इसे मन में करना है। सो वी गेट 120। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे कि पहले जीरो एंड में लगाएंगे, देन उस नंबर को हाफ से डिवाइड करेंगे। सो लेट्स सी मोर एग्जांपल। नाउ सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 45 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक जीरो पुट करेंगे एंड में। सो 4 5 0, देन डिवाइड बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज 22 इज 4, 22 इज 4 कैरी 1, 2 इंटू 5 इज 0 10, 225। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको अपना माइंड यूज करना है और विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है। लेट्स सी मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव 136 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे? पहले जीरो प्लेस करेंगे एंड में, देन डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 6, 1 कैरी 8, देन 0, 680। लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव 1024 इंटू 5। फिर से वही करेंगे, 1024 एंड में जीरो लगाएंगे, देन डिवाइड बाय 2, वी विल गेट 5120, दैट इज 5120। नाउ मल्टीप्लाई बाय 25। अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, सो विद इन अ सेकेंड हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे। लेट्स सी। एज वी ऑल नो कि 25 इज इक्वल टू 100 बाई 4।
तो हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे इसमें भी। जो पहला स्टेप है, हम उस नंबर के एंड में दो जीरो लगाएंगे। इसका मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ 100। और जो स्टेप टू है, आफ्टर पुटिंग डबल जीरोस, वी हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 1/4। उस नंबर को डिवाइड करेंगे 1/4 से। सो लेट्स सी एग्जांपल्स। सपोज वी हैव 32 इंटू 25। सो जो पहला स्टेप है, वी हैव टू पुट डबल जीरोस इन द एंड। सो 3200। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है 4 से डिवाइड करना। सो 4 × 8 = 32, एंड 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। सो 800। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लिख के काट रहा हूँ। आपको दिमाग में करना है कि जब हम डिवाइड करेंगे 32 को 4 से तो हमारा 8 आएगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव 66 × 25। तो हम क्या करेंगे, जो स्टेप वन है कि डबल जीरो लगाना एंड में, वो लगा दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ डिवाइड करते हैं 4 को। दैट इज 4 × 1 = 4, 2 रह गया। 4 × 6 = 24, फिर से 2 रह गया, दैट 20। अब डिवाइड करना है, देन 5, देन 0, तो 1650 आंसर हो गया हमारा। एक और देखते हैं। सपोज 125 × 25। ओके, जो पहला स्टेप है वो है 125 और साथ में 2 जीरो। अब डिवाइड करना है 4 से। सो 4 × 3 = 12, 5 आ गया। 4 × 1 = 4, अब 10 हो गया। 4 × 2 = 8, 2 रह गया। सो 3125 इज द आंसर। नाउ मल्टीप्लाई बाई 125। अगर हम किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस्ट शॉर्टकट क्या होगा, लेट्स सी। एज वी ऑल नो कि 125 इज इक्वल टू 1000 बाई 8। तो जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, वी हैव टू फॉलो टू स्टेप्स। जो पहला स्टेप है कि उस नंबर के ठीक एंड में हमें 3 जीरोज लगाने हैं। इट मीन्स दैट वी आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर विथ 1000। और जो स्टेप टू है, जब हमने 3 जीरोज लगा दिया, उसके बाद उस नंबर को डिवाइड करेंगे 1/8 से। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग 48 × 125। तो हमें क्या करना है, पहले 3 जीरोज लगाएंगे एंड में, दैट इज 1, 2, 3। देन डिवाइड करना है 8 से, जो हमारा स्टेप टू है। सो वी विल गेट सॉरी 6000। सो ये हमारा हो गया 6000 इज द आंसर। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। सपोज वी आर हैविंग 1 1 6 × 125। फिर से हम वही करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे एंड में और फिर डिवाइड करेंगे 8 से। लेट्स डिवाइड, दैट इज 1 यहां पर आएगा, 3 रह गया। 36 × 4 = 32, फिर से 4 रह गया। 40 × 5 = 40। सो 1, 4, 5, फिर 00। सो
14500. नाउ लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल. सपोज कोई नंबर है 4 डिजिट का, कुछ भी लेते हैं. सपोज लेट इज 1040 × 125. तुम्हारा पहला स्टेप क्या है? वी हैव टू प्लेस 3 जीरोज इन द एंड, दैट इज 1040, और लास्ट में 3 जीरो प्लेस करना हमें. और जो सेकेंड स्टेप है, हमें नंबर को डिवाइड करना है 8 से. तो अब डिवाइड कर दो 1, फिर 24 आ गया 3, देन सारे नंबर तो ये मन हो गया इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर. तो जब भी एग्जाम में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर को 5 से या 25 से या 125 से, देन प्लीज़ यूज दिस मेथड. एज वी ऑल नो कि बैंक एग्जाम में कितना इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज बहुत कम टाइम होता है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. और अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो आप क्वांट में कम से कम 50 में से 40 या 45 स्कोर कर सकते हो. तो आप प्लीज़ आप हर दिन कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर प्रैक्टिस करो एवरीडे कैलकुलेशन के लिए, फॉर फास्ट मैथ्स के लिए. एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको ये प्रैक्टिस बस घर पे नहीं करना, आपको ये प्रैक्टिस घर के बाहर भी करना है. सपोज आप किसी दुकान पे गए तो आप ये ट्राई करना कि उस दुकानदार के पहले आप कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लो. इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए क्वांट पे, रीजनिंग पे, डीआई पे, वर्बल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.